राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज है 31 अगस्त, यानी कि बृहस्पतिवार। तो फाइनली वो दिन आ गया है जिसकी सभी के घरों में कई दिन से तैयारी चल रही थी, यानी कि रक्षाबंधन। आप सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे इस बार राखी पर मैं घर नहीं गई हूँ, लेकिन बच्चों की मैंने सारी तैयारी कर दी है। तो जी, बस आज 7 बजे तक का मुहूर्त है, तो मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ। बच्चे और माँ तो अभी सोए हुए हैं, बस हम दोनों उठ गए थे। उठते ही लग गए हैं अपने काम पर। ये भैंसों को सानी वगैरह डाल देंगे और मैं सबसे पहले अपने किचन की क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि खाना बनाकर तैयार करना रहता है। वैसे तो डेली भी बच्चे 7 बजे स्कूल चले जाते हैं, तो 7 बजे तक ही नाश्ता वगैरह सब बनाना रहता है, लेकिन तीज त्योहारों की एक अलग ही बात रहती है, काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो बस अभी यहाँ से झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद चूल्हे की लिपाई पुताई करेंगे। बाकी का काम मैं देखूँगी बाद में। अंदर की झाड़ू वगैरह कुछ भी मैंने लगाई नहीं, क्योंकि अभी बच्चे उठे नहीं हैं। बच्चे उठेंगे तब तक मैं मेरा बाहर का काम सारा निपटा लेती हूँ। और आजकल हर त्यौहार पर यही रहता है कि 2 तारीख रहती हैं। आधे लोग तो एक दिन पहले मना लेते हैं, आधे एक दिन बाद में मनाते हैं, और त्यौहार में वो रौनक भी नहीं आती है, मतलब कि इतनी चहल पहल नहीं रहती है किसी भी त्यौहार पर, क्योंकि कुछ लोग एक दिन पहले मनाते हैं, कुछ लोग एक दिन बाद में मनाते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन 30 और 31 2 तारीख की थी, तो गांव में भी आधे से ज़्यादा लोगों ने तो 30 अगस्त की मनाई है और आधे लोगों ने मनाई है 31 अगस्त की। तो ऐसे त्यौहार की कोई रौनक भी नहीं लगती है जब दो दो त्यौहार हो जाते हैं। किसी के यहाँ बोलते हैं कि 30 अगस्त की है, कोई बोल देता है कि 31 अगस्त की है, कुछ समझ में भी नहीं आता। बल्कि फ़ोन में भी ढेर सारी वीडियो देखने के बाद भी कोई बोलता है कि 30 को ही मना लीजिए, कुछ नहीं होता भद्रा वगैरह। कोई बोलता है कि नहीं, 31 को ही मनानी चाहिए, लेकिन बोल देते हैं ना तो फिर हमारा मन नहीं मानता है। मैंने तो फिर मुहूर्त के हिसाब से ही बोल दिया था कि 31 अगस्त को ही मनाएंगे। वैसे मेरे मायके में भी 31 अगस्त की ही मनने वाली है, और यहाँ अड़ोस पड़ोस में भी हमारे यहाँ सभी 31 अगस्त की ही मनाने वाले हैं, वो भी सिर्फ 7 बजे तक ही, मुहूर्त के हिसाब से ही। और अभी रितिका भी उठ गई है। ये तो वैसे डेली थोड़ी सी जल्दी उठती है, सुबह उठकर इसको स्कूल का काम करना रहता है, तो मैं उठती हूँ उससे थोड़ी सी देर बाद ही रितिका उठ जाती है। और आज तो इसको भी तैयारी करनी थी, तो ये थोड़ा सा जल्दी ही उठ गई है। अभी रसोई का काम तो हो गया है, झाड़ू लगाकर पोछा लगा दिया है और चूल्हे की लिपाई पुताई हो गई। उसके बाद फिर मैंने पूरे आंगन में झाड़ू लगाई है, और इतनी देर में ही उजाला भी हो गया है। सुबह सुबह टाइम बड़ी ही जल्दी जल्दी निकलता है। 4 बजे हम उठते हैं, उसके बाद फिर पानी वगैरह पीते हैं, थोड़ी सी देर बैठ जाते हैं, तो इतनी देर में 4:30 5 हो जाते हैं। आध पौन घंटा बड़ी ही जल्दी निकल जाता है। मुझे तो सुबह सुबह यही लगता है, बड़ी जल्दी जल्दी टाइम देखती हूँ मैं। सुबह सुबह एक काम करती हूँ, उसके बाद फिर टाइम देखती हूँ, फिर दूसरे काम पर लगती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना रहता है, तो मैं उसी हिसाब से इनके लिए नाश्ता वगैरह बनाकर तैयार करती हूँ। टाइम रहता है तो मेरा काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर नाश्ता बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ। तो जी, बस मैंने तो झाड़ू भी लगा दी थी और गोबर भी उठा दिया, उसके बाद फिर नहा धोकर लग गई हूँ खाने की तैयारी में। खाने में वैसे मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है। ये परसों हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध लेकर आए थे, तो दूध बच गया था, तो मैंने पनीर बना कर रख दिया था। अभी सिंपल सी पनीर की भुर्जी बना लेते हैं, और साथ में मैं बनाऊंगी पूरी। बिल्कुल सिंपल सा ही नाश्ता बनाकर तैयार किया है, क्योंकि मिठाई तो घर पर रखी ही है। तो बस अभी खीर वगैरह तो मैंने कुछ बनाई नहीं है। कल की तो मेरी तैयारी थी सुबह खीर बनाने की भी, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया था। अभी इनका मन नहीं है बिल्कुल भी मीठा खाने का, तो फिर मैंने खीर नहीं बनाई थी, बाद में बस थोड़ा सा हलवा बना लिया था। अभी पनीर की भुर्जी बनाएंगे और साथ में बनाऊंगी मैं पूरी। तो आटा गूंथ कर मैंने रख लिया था, सब्जी के साथ साथ हम मैं पूरी की लोई वगैरह बनाकर और पूरी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। रितिका तब तक बाकी की तैयारी कर लेगी, नहीं तो ज़्यादातर जैसे पूरी वगैरह बनानी रहती है ना, तो रितिका मेरे साथ लग जाती है। लेकिन इस बार का त्यौहार कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं हुआ, तैयारी तो वैसे बहुत ज़्यादा की थी, टाइम पर सारा काम भी हो गया था। पर वही बात है, एक तो बच्चों की छुट्टी रहती है, पूरा दिन रहता है, आराम से नहा धोकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। इस बार एक दिन पहले छुट्टी हो गई थी, और आज सुबह उठते ही फिर बच्चों को रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाना है, और फिर स्कूल भी जाना है। स्कूल की छुट्टी रहती है तो बच्चे आराम से अपना त्यौहार मनाते हैं। बल्कि शांत तो सुबह उठते ही मुझे बोलने लगा था कि आज स्कूल नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैंने उसको स्कूल भेज दिया था।
क्योंकि 7 बजे के बाद तो फिर राखी का त्यौहार मनने वाला नहीं है, नहीं तो ये इधर उधर चला जाता है राखी बनवाने के लिए। तो जी अभी भुज्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच गरम मसाला और कढ़ाई को उतार देती हूँ नीचे। और अभी चूल्हे पर रख लेते हैं दूसरी कढ़ाई, झटपट पूरियाँ और बनाकर तैयार कर लेते हैं। वैसे अभी बस मैं थोड़ी सी पूरी बनाऊँगी, बाकी की बनाएंगे बच्चों के स्कूल जाने के बाद। अभी बस बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाकर तैयार कर देती हूँ। वैसे तो सुबह सुबह इनको भी खेत जाना रहता है, अभी कुछ दिनों से तो यही रूटीन चल रही है कि बच्चों का और इनका खाना साथ साथ हो जाता है। ये खेत चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो जी अभी पूरियां तो मैंने बनाकर तैयार कर दी है और ईशांत का टिफिन भी पैक कर दिया है। ये थोड़ा सा जल्दी जाता है, रितिका इसे थोड़ी सी लेट जाएगी और इसी की मुझे ज़्यादा जल्दी रहती है। और अभी मीठे में बिल्कुल थोड़ा सा हलवा बना लेते हैं। वैसे तो मैंने कल मिठाई बनाई थी, लेकिन फिर भी त्यौहार वाले दिन शगुन के तौर पर तो कुछ ना कुछ ज़रूर बनाते हैं मीठे में, तो बस मैंने हलवा बना लिया है। अभी हलवा भी हमारा बनकर तैयार हो गया है और बच्चों की भी सारी तैयारी हो गई है और ईशान तो अपनी स्कूल की ड्रेस पहनकर ही तैयार हो गया है। वैसे तो मैंने इसको बोला था दूसरे कपड़े पहनने के लिए, लेकिन वही सेम जवाब, अभी ये कपड़े पहनो फिर वो पहनो, तो इसने तो स्कूल की ड्रेस ही पहन ली है। लड़कों को इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो तो हम हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं क्या पहने क्या ना पहने। मैंने मेरी सारी तैयारी कर दी है, बस अभी इन दोनों बहन भाई की ही तैयारी चल रही है। ईशान तो वैसे झटपट तैयार हो जाता है, रितिका को तैयार होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और इसके लिए मैंने एक और सूट सिलवाया था, वो इसको समझ में नहीं आया। और इसका यही है, एक बार कोई भी कपड़ा पसंद कर लेती है ना, फिर वही पहनना ज़्यादातर पसंद करती है। और ये सूट रितिका को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो घूम फिर कर जब भी कोई तीज त्यौहार होता है तो ये सूट ही पहन लेती है। और वैसे रितिका को मेरी तरह बिल्कुल सिंपल रहना ही पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी किसी को पहनना ओढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत कुछ पहनना ओढ़ना ये सारी चीज़ें भी करनी चाहिए, लेकिन वही बात है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है। मैं खुद भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ, और वैसी ही रितिका की आदत हो गई है, बिल्कुल सिंपल रहना ही पसंद करती है। क्योंकि मैं इसको बोल रही थी फ्रॉक वगैरह लेकर आने के लिए, लेकिन इसने ही मना कर दिया था, तो कुछ भी नहीं लेकर आई है इस बार रक्षाबंधन पर। और ये देखिए, ये हमारी मूंग दाल की बर्फी काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हुई है और आज अच्छी तरह से जम भी गई है, कल तो इतनी अच्छी तरह से जमी नहीं थी। और ये हमारी हो गई है रक्षाबंधन की स्पेशल थाली तैयार। वैसे आज जैसे ज़्यादा तैयारी तो हमारी कल ही हो गई थी, राखी वगैरह भी रितिका कल ही लेकर आई थी और मिठाई भी मैंने कल बना कर तैयार कर दी थी। थाली थाली ने रोटी खा ले, इस तन तो खा ली, इसने कौन खाएंगे, जा रोटी खा ले चल रसोई में। तो जी बस अभी शांत तो चल पड़ा है स्कूल के लिए और अभी मैं बाकी की पूरियां बना लेती हूँ और काम अपना आज बाद में निपटाएंगे, पहले खाना ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बस अभी मैं और माँ लग गए हैं पूरियां बनाने में और रितिका का टिफिन पैक कर देती हूँ, ये कपड़े वगैरह बदल कर ये भी अभी स्कूल जाएगी। तो जी ये हमारी हो गई है आज की रक्षाबंधन स्पेशल थाली तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए।
तो जी फाइनली सारा काम सही टाइम पर निपट गया था। अभी ये खेत चले गए हैं और बच्चे चले गए हैं स्कूल। सुबह हम थोड़ा सा जल्दी उठकर अपने काम पर लगते हैं तो बड़ी ही आसानी से काम हो जाता है। नहीं तो कल तो मुझे ये लग रहा था कि 7 बजे तक कम टाइम है, थोड़ा सा सुबह जल्दी उठकर लगेंगे तब भी पता नहीं सारी तैयारी होगी या नहीं होगी। लेकिन फाइनली सारा काम सही टाइम पर निपट गया। बस अभी तो अपना घर का काम बाकी है। वैसे आज तो मैंने खाना भी बनाकर तैयार कर लिया है और गोबर बारी का काम मेरा सुबह ही निपट गया था। वही बात आ जाती है, हम सुबह थोड़ा सा जल्दी उठते हैं तो आराम से सारा काम हो जाता है और थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो इसी काम में फिर हमें भागम भाग रहना पड़ता है। आधा काम हो पाता है, आधा बीच में छोड़ना पड़ता है। क्योंकि घर में अकेले काम करने वाले होते हैं तो किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है। और मेरी तो ये आदत है कि मैं चीज़ें ज़्यादा ही संभाल कर रख देती हूँ। आज रितिका के सूट का दुपट्टा नहीं मिल रहा था और मैंने 3-4 दिन पहले ही सारे कपड़े तय बना कर रखे थे, लेकिन आज सुबह सुबह पूरी अलमारी उथल पुथल करने के बाद भी वो दुपट्टा नहीं मिला था। और ये मेरे साथ हमेशा होता है, मैं चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा ही संभाल कर रख देती हूँ। इसी वजह से मेरा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है हर चीज़ में। और आधे से ज़्यादा चीज़ें मैं रितिका को बोल कर रखवाती हूँ कि ये चीज़ संभाल कर रख देना, क्योंकि मेरा तो यही है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही संभाल कर रख देती हूँ और फिर जिस टाइम पर मुझे चाहिए होती है कभी नहीं मिलती है। आज ये प्रॉब्लम हुई थी रितिका के दुपट्टे के साथ, नहीं मिला। लास्ट में फिर मुझे मेरे सूट का दुपट्टा था वही देना पड़ा। तो आप सबसे बातें करते करते मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, किचन क्लीन कर दिया है, अभी बेड की चद्दर ठीक कर लेते हैं और उसके बाद फिर मेरा वीडियो का थोड़ा सा काम बाकी है, वो काम निपटाऊंगी मैं। वैसे आज काम मेरा थोड़ा सा जल्दी ही निपट गया है, अभी लगभग 10 बजे हैं, 10 या 10:30 बजे हैं और सारा काम हो गया है बाहर का भी और अंदर का भी। तो जी चलिए अभी अपना जो फ़ोन का काम है वो निपटा लेते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों से रेगुलर वो लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। तो जी अभी बज गए हैं 6:00 और ईशांत की चल रही है पटाई। देख ली तेरी सारी पटाई। मंदे तेरे दादी कल गुड़ा आटा। और अभी मैं लगूंगी मेरे काम पर। वैसे आज मुझे इतना ज्यादा कुछ काम नहीं है शांतिया। सब्जी तो बनानी नहीं है, सब्जी सुबह की रखी है, रोटियां बनानी है और रोटियां भी अभी इतनी ज्यादा भूख नहीं है, कल की मिठाई रखी है घर पर, तो बस घूमते फिरते थोड़ी बहुत वही खा लेते हैं। क्या करूँ तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप छिल के ठालेगी क्या ठालेगी खागी के ले इन्हें का केला सही है खा लिए। पार्टनरशिप करे ही तो पार्टनरशिप करा हमारे ले विचार।